आके अपना आपने देख लिया कि एसटी वगैरह जो भी है आपकी लगी हुई है, जैसे एसटी के बाद सपोज वंदना लगा हुआ है, मंगल ध्वनि लगी, उसके बीच में आपको नहीं दिख रहा कि आपको बोलना भी है, लेकिन आपको तो बोलना ही होता है हर बार। अब क्या करेंगे, जब भी आपका एसटी प्ले हो रहा है, इसमें सर जो हमारा कंसोल है इसमें हमें क्या क्या स्विच करना पड़ेंगे? जो पैसे थे वैसे के वैसे रहेंगे, चेंज हुआ सेम वैसे ही रहेगा। कोई चेंज नहीं अब होगा? एक्चुअली ये अभी मेरे को स्विच इसलिए करना पड़ा ना, क्योंकि माइक हाँ ऑन है, माइक ऑन रहेगा तो आपको फिर कुछ कुछ सुनाई नहीं सुनाई नहीं देगा। देगा, इसलिए हाँ मैं माइक ऑन ऑफ करके आपको ठीक सुनाई नहीं ठीक देगा। ठीक ठीक है, तो इसमें आप जो सेकंड ऑप्शन है ये भी है कि इन केस कभी आपको इसको ड्रैग भी करना हुआ या फेड आउट करना हुआ तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मतलब आपने फेड ऑन किया, जो भी एलिमेंट आपका पहले नंबर पे था यहाँ पे सीक्वेंस आता है। ठीक सर, फेड आउट किया तो फिर वो बंद नहीं हो जाएगा बजना? वही नहीं, वही वही अपन वही करके इसीलिए नहीं कह रहा तो हूँ करना होगा कि अनाउंसमेंट देने के लिए। आपने फेड ऑन किया, जी ये आपका जा रहा है, ठीक है, बीच में बोलना है वो बीच में बोलना है, सपोज अगर इसी के बीच में वंदे बोलना है, मातरम, हाँ इसी नहीं के बीच में बोलना ही इसमें है। जैसे अभी तो अभी तक जो आपका चल रहा था ना, हाँ कि पहले उसी में आपका एसटी भी है, फिर वंदे जी मातरम भी है, जी फिर मंगल ध्वनि भी है, तीनों एक साथ में, तीनों आपको अलग अलग मिलेगा, अच्छा अलग अलग करके आपको अच्छा क्यू अच्छा होगा। तो उसके बाद जैसे आपका ये सिग्नेचर टाइम खत्म होगा, ठीक है, आप अपना फेडर डाउन करेंगे, माइक वाला ऑन करेंगे, आपने बोल दिया यहाँ पर वंदे वंदे मातरम। मातरम, इसको ऑफ करेंगे और फेडर फिर से ऑन कर देंगे, तो अगर वंदे मातरम वहाँ पर होगा वो प्ले हो जाएगा आपका। मतलब आपको हर जो भी आपका कंट्रोल है, अभी आप मैनुअल देखिए, यहाँ पर देखिए आप मैनुअल मोड पर है, ठीक है, तो मैनुअल मोड का यह है कि पूरा चीज़ आपका कंट्रोल जो हो रहा है वो फेडर से हो रहा है। जब तक आप फेडर, सपोज अगर यहाँ पर आपका फेडर है, ये गाना ख़त्म भी हुआ, तो जैसे आपको लग रहा है कि गाना खत्म होगा, इसका नेक्स्ट गाना प्ले हो जाना चाहिए, वो नेक्स्ट गाना तब तक नहीं प्ले होगा जब तक आप फेडर काट के वापस बंद स्टार्ट नहीं करते हैं। तो इसमें देखिए, मैं आपको एक्चुअली जो बताने वाला था वो ये था कि वो गाना खत्म हुआ, आपने फेडर काटा नहीं, दोबारा नहीं ऑन किया, तो अब यहाँ से कुछ भी नहीं जा रहा है, आपका ऑन एयर में साइलेंस जा रहा है। अच्छा ओके इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि जैसे ही वो गाना खत्म होगा, वो ऊपर इंडिकेशन आ जाता है रेड कलर से कि गाना ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, 10 सेकंड पहले आपको इंडिकेशन आ जाता है, वापस आप कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये इसको जैसे सपोज कभी आपसे कोई गाना इतना गया, आपसे आधा गया, आपसे आधा गया, आपसे बाय मिस्टेक ये फेडर डाउन हो गया, ठीक है, आपने क्या किया, इसको जो भी चीज़ें आपके फेडर से कट रही हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, पिछला 5 एलिमेंट वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप इसमें क्या करेंगे, अभी ये आपका जा रहा था, आप इस पर डबल क्लिक करिए, इसको इंसर्ट कर लीजिए, वो गाना फिर से आप यहाँ पर आ जाएगा, आप इसको हल्का सा ऊपर करके इसको जितना मिनट में आपने आपसे कट गया था उतने मिनट पे ले आइए और आप छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर शुरू कर वापस देते। स्टार्ट कर दीजिए। बहुत अच्छा है, ठीक ठीक है। उसके बाद जो चीज़ आपको बता रहा था कि आपको ये थोड़ी देर पहले बताने लगेगा कि गाना ख़त्म होने वाला है, अब जैसे ये 20 सेकंड बचा हुआ है, काउंट अप मीन्स कितना बच चुका है, कितना बचा हुआ है, वो यहाँ पर भी आएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर लगा हुआ है मार्कर, लगा हुआ है यहाँ पर मार्कर लगा हुआ है, इसके बाद आपको रेड इंडिकेशन आ गया आपका, इस गाने पे रेड इंडिकेशन आ गया, मीन्स अभी गाना ऊपर आ खत्म होने गया, वाला है। ऊपर आ गया। आप अपना फेडर वापस से डाउन करिए और अगले गाने को जो भी अनाउंसमेंट करनी है आप अपना अनाउंसमेंट दे दीजिए कि अब आप ये गाना सुनने वाले हैं। और अब सर वहां से बंद भी करना पड़ेगा अपन को क्या फेडर चीज़, वो? माइक अगर आप नहीं, अब अगर आप ऑफ नहीं कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप इसको प्ले कर दीजिए, ये ऑन एयर जाएगा, बस आपको नहीं सुनाई देगा। जैसे ये गाना प्ले हो रहा है ये, हाँ और हम माइक ऑन करके हाँ इसमें बोल भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें बोल सकते हैं, सपोज आपको इस गाने की जो भी अनाउंस का जो डिटेल था वो आपको अभी बोलना है, हाँ ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि इसको पॉज कर देंगे, डिटेल अगर आपको इसी से देखना है तो आपको डिटेल पहले नोट करके रखना पड़ेगा, तो डिटेल आपको नोट जो करना है, सपोज ये गाना अगला प्ले होना है, आपने इसका डिटेल, आपको इसका डिटेल चाहिए कि इसमें आर्टिस्ट कौन है, एल्बम कौन सी है, तो उसके आप चेंज पे क्लिक करेंगे। चेंज पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका वही गाना सेलेक्ट होगा यहाँ पर और उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर आ जाएगी, अच्छा ठीक है, टाइटल क्या है, कंपोजर कौन है, एल्बम कौन सा है, आर्टिस्ट कौन सा और है, मीनवाइल को गाना वहां प्ले हो रहा है वो आपका जो ऑन ईयर जा रहा है वो तो जा वो रहा जा है, ही रहा है, मतलब वो इस तो आपका जा ही रहा है। ओके ओके ये एक्चुअली आपका सेकंड विंडो है, इस पर आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें अगर सपोज ये आपका जो ऑन ईयर जा रहा है, जी ठीक है, ये आपका ऑन ईयर जा, इसको जान दीजिए, आप देखिए हर एक एलिमेंट के साथ आपको ये 4-5 ऑप्शन दिख रहे होंगे, पहला जो ऑप्शन है वो है डिलीट का, कि सपोज आपका गाना एक्सेस हो रहा है, आपको गाना हटाना है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, पर डिलीट आप उसी कंडीशन में करिएगा जिसके लिए आपके पास वैलिड रीज़न हो कि मैंने डिलीट क्यों किया है, अगर आपके पास वैलिड रीज़न नहीं है कि मैं डिलीट क्यों कर रहा हूँ
तो आप मत करिए इसको। और इन केस धोखे से डिलीट हो गया तो पूरा वापस हाँ, कैसे दोबारा भी आ जाएगा, दोबारा भी आ जाएगा। जो चीज़ आपके फेडरल से कट रही है वो तो नीचे आएंगी, पर जो चीज़ यहाँ से आपने डिलीट कर दिया वो नीचे नहीं आएगा। उसके लिए आपको सेकंड ऑप्शन हमारे पास है, शेड्यूल में है, वो भी आगे बताएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद है कि यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे हैं इंसर्ट का, कि सपोज एक घंटे का प्रोग्राम है जो शेड्यूल में होके आया है, उसमें 8 गाने लगे हुए हैं और आपके पास टाइम है कि आप एक गाना और बजा सकते हैं, और वो गाना चाहिए आपको इससे पहले, ठीक है। सपोज अगर इससे पहले चाहिए तो इसका इंसर्ट यूज़ करेंगे, इस गाने से पहले चाहिए तो इसका इंसर्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि जिसका भी आप इंसर्ट यूज़ करेंगे उससे पहले आएगा गाना, ठीक है। सपोज मेरे को इसके बाद इससे पहले चाहिए गाना, मैंने इसका इंसर्ट यूज़ किया, मैंने यहाँ से गाना बाई अल्फाबेट वाइज जैसे भी आपको सर्च करना वो कर सकते हैं। अगर आपको बाई अल्फाबेट नहीं चेक करना, आपको सर्च करना है बाई एल्बम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लगा देंगे हम फिल्टर, फिल्टर लगाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे कि हमें बाई एल्बम चाहिए। हम यहाँ पे लिख देंगे कि बाई एल्बम में हमें चाहिए रेस 3 का गाना, ओके किया। तो अब यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे हमें मैसेज दे रहा है कि जो आपने टाइप किया है वो तो नहीं है, लेकिन अगर आपका मतलब ये है तो मैं ये आपके लिए सर्च कर सकता हूँ। आपने इस पर क्लिक करिए, ओके करिए, रेस 3 के सारे गाने यहाँ पर जाएंगे आपके पास। आपको जो भी गाना चाहिए आप उस पर क्लिक करिए, ओके करिए, आप स्विच पे जाएंगे, आपका वो गाना यहाँ पर आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑप्शन PFL का, वो ये गाना आपका जो ऑन एयर जा रहा है इसको आप जाने दीजिए। आपको ये गाना सुनना है कि इसमें, मैं एक बार देख लेता हूँ ऑडियो क्या है। आप PFL पे क्लिक करेंगे, ये विंडो खुल जाएगी आपके, यहाँ पर, यहाँ पर प्ले का बटन है। इसके लिए आप यूज़ करेंगे कौन सा फेडर, सेकेंड फेडर, PFL करना पड़ा, सेकेंड फेडर ऑन करेंगे, PFL करेंगे, ये आपका PFL हो जाएगा। और ये विंडो आपको तब बंद करना है जब आपके सारे रेस 3 के जितने भी आपको गाने लेने हैं, 2 लेने हैं, 4 लेने हैं, 5 लेने गाने, जब आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तब अभी आपका फिल्टर लगा हुआ है यहाँ पर, तो आपने को जितने भी गाने इसमें चाहिए आपने ले लिए। उसके बाद जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जितने गाने सर्वर में होंगे सबको फिल लिस्ट आपको यहाँ दिखाई देगी। अभी सिर्फ वही गाने दिखा रहे हैं जिसमें रेस 3 होगी। आपने इसको कैंसिल किया, बाय डिफॉल्ट जितने भी गाने होंगे सर्वर में पूरा फिर से लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद है ग्राफ का ऑप्शन। ये स्विच क्या, मतलब दोनों के बीच का स्विच है? स्विच एक्चुअली दूसरे विंडो पे जाने का है। ये विंडो आपकी एडिशनल विंडो है, ये ऑफलाइन विंडोज है। ये विंडो पे आपका मेन जो प्रोग्राम होने जा रहा है वो है। इस स्विच वाली विंडो में आपको जो भी काम करना आप कर सकते हैं। आपको कुछ फिलर देखना है, फिलर भी आप देख सकते हैं। आपको PFL करना है तो आप PFL भी देख सकते हैं यहाँ पर। आपको ऑडियो ब्राउजर चाहिए तो वो भी आपको यही मिलेगा। आपको ऑर्किस्ट का सेकंड पेज चाहिए वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे मल्टीपल विंडोज खोल के रह सकते हैं। और सपोज अब गाने के बाद आपको चाहिए फिलर बजाना है, मतलब ये खुली भी रहेगी, स्विच करेंगे तो वो आ जाएगी, फिर वो ये आ जाएगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों से स्विच। अगर आप स्विच नहीं भी करते हैं ना, सपोज ये आप इसी विंडो पे हैं, आपका जो गाना भी जा रहा है वो खत्म होगा, आपने आप यहाँ पे सुन रहे हैं कि ये खत्म होने वाला है। जैसे वो खत्म होता है आपको कोई अनाउंसमेंट नहीं करनी, सपोज आप उसको बंद करिए, वापस प्ले कर दीजिए, जो नेक्स्ट गाना वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। मतलब जो 4 मिनट का गाना है, अगर हम 2 मिनट में फेडर डाउन कर देंगे तो जब ऑन करेंगे तो सेकंड गाना होगा, वो 2 मिनट छूट जाएंगे। ओके, एक्चुअली वो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आपको स्विच करने की जरूरत नहीं है। सपोज अगर आप इसी विंडो पे हैं, आपको नेक्स्ट गाना प्ले करना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से फेडर डाउन करके आप कर सकते हैं, वहाँ पे वो ऑटोमेटिक जाता रहेगा, आपको बार बार स्विच करने की जरूरत भी नहीं है। आप हमेशा इसी विंडो पे रह सकते हैं। अगर वहाँ पे आपका पूरा क्यू बिल्कुल परफेक्ट है कि आपको उसमें कोई चेंजेस नहीं करते, क्यू परफेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन ये आप देख रहे थे सारे, इसमें है रिस्टार्ट का। सपोज आपको इसी गाने को वापस रिस्टार्ट करना है, आप रिस्टार्ट करेंगे ये वापस 0 से स्टार्ट हो जाएगा। आपका ये गाना इतना प्ले हो चुका है, आपको एक कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ गई आपको देना है। सपोज इसी गाने के अनाउंसमेंट आपको कुछ करनी है, आप इसको फटर तो काट नहीं सकते, फटर काटने का मतलब ही तो कट जाएगा, आप इसको कर लेंगे पॉज। पॉज करने के बाद अपने आप अनाउंसमेंट दे दीजिए, जो भी आपके अनाउंसमेंट है अनाउंसमेंट दीजिए। अनाउंसमेंट के बाद वापस क्लिक कर दीजिए पॉज पे, गाना वहीं से रिज्यूम हो जाएगा। इसमें जैसे साउंड फोर्स में वेव्स दिख जाते हैं, इसमें वेव्स नहीं आएगी सर, क्योंकि उसमें हम लोग ये समझ जाते थे कितना म्यूजिक है, उसको कहाँ से ट्रिम करना, कहाँ से क्या है, वो इसमें वो चीज नहीं आएगी। वो आएगा ऑप्शन आपका ग्राफ के अंदर।
ग्राफ में बताइए सर। ग्राफ में जब हम क्लिक करेंगे ये गाना जो भी जा रहा है वो ये है, अगला गाना ये है, उसके बाद का गाना ये है, उसके बाद का गाना ये है। सपोज इसमें मेरे को कोई भी चेंजेस करना है तो मैंने इस पर क्लिक कर लिया, उसको आप वेव को बड़ा कर लीजिए, ठीक है, वहाँ बचता रहेगा वो बचता रहेगा। आप सेकंड विंडो में कुछ भी कर सकते हैं, सिस्टम आ गया है। आपको जितना भी आपको जितने से काटना है आप उतने पे मार्किंग कर लीजिए। सपोज मेरे को यहाँ से मार्किंग लगाना है, आपने यहाँ पे मार्किंग दे दिया और यहीं पर आपने दे दिया कि यहीं से फेड इन स्टार्ट होना चाहिए, आपने दे दिया इसी गाने पे फेड इन दे दिया कि आपको फेड इन जो ऐसे होना चाहिए। सपोज यहाँ पर आपने फेड इन दे दिया और इसको आपने दे दिया कि ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड गाने के लिए फेडर बंद करना पड़ेगा, फेडर आप बंद करिए, चलाइए ऑटोमेटिक, जहाँ पे आपने मार्किंग किया था वहीं पे है। अच्छा वो मार्क दिख रहा है वहाँ पर, ओके, कहाँ दिख रहा, वो ग्रीन ग्रीन वहीं से गाना का मार्क वहाँ से, विज्ञापन वगैरह जैसी बजाना वो सब कुछ आपको क्यों क्यों मिलेगा, इसी में क्यों मिलेगा। अगर सपोज इस गाने के बाद कोई ऐड होगा तो वो यहाँ पर आपको ऐड मिलेगा, आपको सिर्फ हर एलिमेंट के लिए प्ले कर फेडर कट करके अब करना है, ऑटोमेटिक प्ले होता रहेगा। फेड आउट किया तो अपने आप ही आ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब ये गाना प्ले हो रहा है इसके बाद कौन सा छोड़ दिया ये है ना, आपने इसको काटा आप किया वो गाना प्ले हो जाएगा। अच्छा जैसे हम उसको फेड वो करेंगे फेड आउट करेंगे वो हट जाएगा वो और नेक्स्ट ऑटोमेटिक आप करते ही ऑटोमेटिक ऊपर चला प्ले हो जाएगा, आ जाएगा। टाइम का ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद है कि सपोज आपको ये गाना नहीं चलाना है, आपको पहले ये वाला गाना चाहिए, तो उसके लिए आपके पास है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन। आप इस जो गाना आपको पहले चाहिए उसको आपको यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा, आप इस पर क्लिक करिए, क्लिक को छोड़िएगा मत, इसको जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है वहाँ पे ले जाइए कर्सर को, वहाँ पे जाकर रिलीज कर दीजिए वो गाना आ जाएगा। अच्छा ऊपर नीचे हो जाएगा, वही बजेगा। जो गाना आपका जा रहा है ये कट होते ही आपका जब आप करेंगे तो सुने जा रहा है उसको आप यहाँ से भी सुन सकते हैं, यहाँ से भी सुन सकते हैं। तो इस वाले पीएफएल का वैसे कोई खास यूज नहीं रहता, इसका जरूरत पड़ेगा, बस आपको जरूरत पड़ेगी इनके लिए, आगे के लिए जो आपका ऑन एयर जा रहा है उसका तो पीएफएल करने की कोई जरूरत है ही नहीं आपको, बाकी जो नीचे है उसके लिए आपका हर टाइप के साथ एक पीएफएल दिया हुआ है आप उसे कर सकते हैं। देखिए सपोज ये आपका गाना ऑन एयर जा रहा है, ठीक है, आपको इस गाने का पीएफएल आपको देखना है, इसका किसका मैं पीएफएल देख लेता हूँ, इस पर आप क्लिक करिए, यहाँ पर आ गया ये वाला गाना था, ये प्ले का ऑप्शन है, तो सेकंड चैनल उसका पीएफएल ऑन करिए, प्ले पे क्लिक करिए, ये आ गया, अभी भी जो आपका ऑन एयर जा रहा है वो ऑन एयर जा रहा है। उसके बाद आपका जो ये ऑप्शन है प्ले आउट मोड, यहाँ पे ऑटो मैनुअल देख रहे हैं, ऑटो मैनुअल का मतलब ये है कि सपोज आपके एक घंटे, हाँ इसमें एक चीज़ और है कि जैसे अभी तक आपका था कि रिले आप लोग का जो भी जाता था वो जाता था कंट्रोल रूम से, जाएगा इसमें भी कंट्रोल रूम से, लेकिन आपको क्या करना होगा कि जो भी रिले वाली चीज़ें होंगी उसमें भी यहाँ पे भी आपको एक एलिमेंट दिखाई देगा, जैसे मान लीजिए कि हिंदी समाचार है तो वहाँ पे आएगा हिंदी समाचार और उसमें आपको ड्यूरेशन भी आएगी, अगर आधे घंटे का प्रोग्राम है तो वहाँ पे ड्यूरेशन भी आएगी आधे घंटे का जी, क्योंकि उसमें क्या करना है आपको कि आपको जैसे सपोज इसके बाद आपका लगा हुआ हिंदी समाचार ये आपका ख़त्म होगा, ये आपने बंद किया, आपने अनाउंसमेंट कर दिया कि अभी आप सुनेंगे हिंदी समाचार दिल्ली से, आपको फिर से अपना फेडर ऑन करना पड़ेगा क्योंकि आपके यहाँ से प्ले होना है साइलेंस, ताकि आपके ट्रांसमिशन लॉग में आ जाए कि इस समय हिंदी समाचार गया है जो कि रिले हुआ है जी। तो ट्रांसमिशन लॉग में दिखाने के लिए वो जितने भी आपके रिले वाले प्रोग्राम होंगे उसका भी हम साइलेंस उसमें डालेंगे, अगर आधे घंटे का होगा प्रोग्राम तो आधे घंटे का, 10 मिनट का होगा तो 10 मिनट का, साइलेंस जाएगा, साइलेंस आपके यहाँ से प्ले करना है, आपको साइलेंस प्ले करना है ऑन एयर वही जाएगा, पर आपको अपने रूम से तो ये सर्वर चालू रहना चाहिए, ये कंप्यूटर है, हाँ ये कंप्यूटर चालू रहेगा, आपका फेडर भी ऑन रहेगा। सपोज अगर आपका 8 से जो रात में 1 घंटे का जाता है 8 बजे से लेकर 9 बजे तक न्यूज जाती है आधे आधे घंटे, तो उसमें आपका एक काम ये कर सकते हैं कि आप 8 बजे इसको कर दीजिए ऑटो पे, ठीक है, ऑटो पे कर देंगे तो 8 से 8:30 एक न्यूज जाती है, 8:30 से 9 जाती है, तो आपको 8:30 बजे आके फेडर को चेंज नहीं करना पड़ेगा, ऑटो पे है तो नेक्स्ट एलिमेंट ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा आपका। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि 8:55 पे आप वापस आइए जी, इसको वापस मैनुअल पे कर लीजिए, कंट्रोल अपने पास ले लीजिए और फिर उसके बाद आप अपना जैसे भी आप अनाउंसमेंट करते हैं वैसे करते रहिए, ताकि आपके ट्रांसमिशन लॉग में आने चाहिए कि रिले हुआ है, अगर आपको ट्रांसमिशन लॉग में आप नहीं दिखाते हैं तो वो 1 घंटे का पूरा दिखाएगा साइलेंस गया, फिर उसके लिए फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे लाइव दिया है क्या दिया, क्योंकि देखिए एक चीज़ और है, लाइव वाली चीज़ें आपके ट्रांसमिशन लॉग में नहीं आती हैं, जैसे आपका आपने 2 मिनट बोला तो वो आपके ट्रांसमिशन लॉग में नहीं आएगा, सिर्फ वही चीज़ें आएंगी जो यहाँ से प्ले हुआ है। हाँ
सपोज इस गाने के बाद आपको फिलर चलाना है जी, ठीक है, तो फिलर के लिए आपको जो भी फिलर आपको दिखाई देंगे वो आपको दिखेंगे हॉटकीज वन हॉटकीज टू। हॉटकीज वन और टू का मतलब सिर्फ ये है कि हॉटकीज का पेज नंबर वन पेज नंबर टू। हॉटकीज के टोटल 100 पेजेस हैं, हर पेज में आप 21 फिलर को असाइन कर सकते हैं। तो सपोज ये गाना जा रहा है, आपको इसके बाद चलाना है कोई हॉटकी, आप हॉटकी पे क्लिक कर लीजिए, जितने भी हॉटकी होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक अभी हमने किया हुआ जो बाल मेला वाला एक ऑडियो था उसी को हमने फिलर पे असाइन कर दिया है। तो सपोज जो आपका अभी ऑनियर जा रहा है वो जैसे ही ख़त्म होगा आपका, ये आपका गाना जैसे ही ख़त्म होगा आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपको कौन सी हॉटकी प्ले करनी है, सपोज ये वाली प्ले करनी है, वो प्ले होगा किससे, चैनल नंबर टू के फिलर से फेडर से। ये आपका ख़त्म होगा, आपने देख लिया कि आपको ये प्ले करना है, अपना माउस इसी पर रखिए और इसको ऑन कर लीजिए अपना। पहले जैसे ही खत्म होता है इसको डाउन करिए, क्लिक करिए, कौन है ऑडियो का नहीं है।